दोस्तों, अगर आप पीने पिलाने के शौकीन है तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ओल्ड मॉन्क के बारे में ना सुना हो। सही कहा ना, यही इकलौती रम है दोस्तों जो गरीबों से अमीरों तक और अमीरों से गरीबों तक पी जाती है, क्योंकि दोस्तों हर किसी के लिए अफोर्डेबल होने का इसका टेस्ट ही ऐसा है कि कोई अमीर आदमी भी इसका टेस्ट लेने के लिए सस्ती शराब को चखना जरूर चाहता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओल्ड मॉन्क की स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे बनी आखिर ओल्ड मॉन्क, क्या है आखिर इसका इतिहास। दोस्तों, अंग्रेज ठंडे देशों से आए थे जबकि भारत में उतनी सर्दी नहीं पड़ती है, वहीं कुछ शहरों की गर्मी भाई अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देती है। अंग्रेज जब भारत आए तो उनके ठिकाने थे मुंबई और कोलकाता जैसे शहर, जहाँ की गर्मी बर्दाश्त करना अंग्रेजों के लिए दोस्तों बड़ा ही मुश्किल काम था। इसलिए सर्वाइवल के लिए अंग्रेजों ने भारत में पहाड़ी इलाकों की ओर रुख किया, जहाँ जाकर वो रह सके, और भारत के कुछ हिली एरियाज में से एक शिमला ज्यादातर अंग्रेजों को पसंद आया। इसलिए उस दौर में दोस्तों शिमला को अंग्रेजों का समर कैपिटल भी कहा जाता था। आज दुनिया भर में फेमस ओल्ड मॉन्क इसी जगह की देन है। लेकिन आप कहेंगे कि ओल्ड मॉन्क की शुरुआत तो भाई 1954 में हुई थी, तो माजरा क्या है, हम बताते हैं ना। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं 1954 से पहले की कहानी कि क्या हुआ था। इसकी शुरुआत की बात करें और बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1855 में शिमला में एडवर्ड अब्राहम टायर नाम का दोस्तों एक इंजीनियर आया, जो इंजीनियर होने के साथ साथ शराब बनाने के बिजनेस में भी था। और जैसा कि अंग्रेज ठंडे देशों से आए थे तो जाहिर है कि भाई बियर वगैरह के वो शौकीन भी थे। अब इंडिया में तो भाई बियर मिलती ही नहीं थी, इसलिए भाई शौक पूरा किया जाता था इंग्लैंड से बियर मंगवा कर। लेकिन ये शौक दोस्तों बड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए एडवर्ड अब्राहम टायर ने ब्रिटिशर्स की प्यास बुझाने के लिए और सस्ती बियर की मांग को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक भट्टी लगाई। शराब की भट्टी लगने से कसौली में दोस्तों और भी ज्यादा लोग आकर बसने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी की कमी पड़ने लग गई। पानी की कमी होती देख फैक्ट्री को सोलन में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पानी के झरने वगैरह की भाई कोई भी कमी नहीं थी। इसके बाद 1850 के दशक में डायर ने पहली बार बियर बनाने में सक्सेस हासिल कर ली, जिसे नाम दिया गया लायन बियर। इसी शराब की भट्टी से दोस्तों डायर की किस्मत बदल गई। इसके बाद डायर ने रावलपिंडी, बर्मा और क्वेटा में भी शराब की फैक्ट्री डाल दी और कंपनी का नाम रखा डायर ब्रेवरीज। आपको बता दें, अब्राहम डायर उसी डायर कर्नल रेजिनाल्ड डायर का पिता था, जिसे अमृतसर का कसाई या जलियांवाला बाग हत्याकांड का कसाई भी कहते हैं। इसके बाद भारत में एक और ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एंट्री ली, जो थे H.G. मेकिन, जिन्होंने डायर ब्रेवरीज को खरीद लिया। 1903 में सोलन तक रेलवे लाइन पहुंची तो यहां बनने वाली शराब पूरे भारत में भेजी जाने लगी। लेकिन दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद डायर नाम इतना डिफेम हुआ कि कंपनी के नाम को बदलकर डायर मेकिन ब्रेवरीज कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो जाहिर था कि कंपनी को किसी भारतीय के हाथ में ही आना था, इसलिए नरेंद्र नाथ मोहन ने इस कंपनी को खरीद लिया। आपको बता दें कि मोहन इसी कंपनी में काम किया करते थे। 1950 तक कंपनी शराब और बियर ही बनाती रही, लेकिन 1950 के दशक में ही इस कंपनी ने रम भी लॉन्च की, ओल्ड मॉन्क रम। इसका आइडिया नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन को आया था, वो कंपनी में ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, और ओल्ड मॉन्क को इसी मोहन मेकिन के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर वेद रतन मोहन ने लॉन्च किया था। क्योंकि दोस्तों वेद मोहन जब यूरोप दौरे पर गए तो बेनेडिक्टिन संतों की जीवन शैली और उनके शराब बनाने के तरीके से काफी प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्होंने भारत आकर ओल्ड मॉन्क को बनाया था और इसे नाम दिया गया ओल्ड मॉन्क। आपको बता दें, ओल्ड मॉन्क से पहले हरकुलिस रम आया करती थी, जो अब भी आती है, तो हरकुलिस रम उस समय आर्म फोर्सेस के बीच काफी इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद जब ओल्ड मॉन्क लॉन्च हुई तो कहा जाने लगा कि टेस्ट और क्वालिटी में हरकुलिस से भी बेहतर थी। शुरुआती दौर में इसे केवल भारतीय फौज के लिए बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में लोग इसे पसंद करने लगे। इसके बाद जल्द ही ओल्ड मॉन्क की डिमांड देश के अंदर से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के दूसरे देशों में भी आने लगी, और ओल्ड मॉन्क रम डार्क रम के तौर पर दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। वहीं इसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ने भी दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी में बड़ा रोल अदा किया। 1960 के दशक में नेहरू ने कंपनी का दौरा करने से मना कर दिया तो मोहन को समझ आया कि डायर नाम का कंपनी के साथ और रहना अब ठीक नहीं है, इसलिए इनके बाद कंपनी का नाम मोहन मेकिन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। ओल्ड मॉन्क रम की शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों। ये वेटेड इंडियन डार्क रम है और वेनिला फ्लेवर में आती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें करीब 42% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। भारत और हिमाचल प्रदेश के सोलन में इसका ऑफिस है और इसे गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ओल्ड मॉन्क दूसरे ब्रांड्स की तरह कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करती है, बल्कि आज भी इसकी पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करती है और इसके कस्टमर्स की लॉयल्टी पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि ओल्ड मॉन्क सालों से सबसे बड़ा इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड है। यही नहीं, ये इम्पैक्ट इंटरनेशनल की 2008 की टॉप 100 ब्रांड्स एट रिटेल वैल्यू लिस्ट में इंडियन स्पिरिट्स ब्रांड्स में से 5वें नंबर पर थे।
साल 1954 से लेकर आज तक दोस्तों ओल्ड मॉन्क का टेस्ट हमेशा से सेम है, इसलिए मार्केट में आज भी इसकी डिमांड रहती है। हाँ, कुछ नए ब्रांड्स भी लोगों के बीच में पॉपुलर हुए, लेकिन आज भी दोस्तों लोगों के बीच ओल्ड मॉन्क की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। जवान उम्र के लोगों से लेकर उम्र दराज बुजुर्गों तक हर पीने पिलाने का शौकीन आदमी भी इसे पसंद करता है। इसका टेस्ट दोस्तों ऐसा है कि पीने के शौकीन आदमी को बीते वक्त की याद दिला दे। ओल्ड मॉन्क के शौकीन कहते हैं कि इसका भाई किशमिश, वनीला और दूसरे मसालों का कुछ ऐसा फ्लेवर है कि ये घूट सही कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, जवानी और किसी भी पहले जश्न की यादें ताज़ा हो जाती है। इसकी बोतल पर दोस्तों बूढ़े मॉन्क की तस्वीर होने की वजह से इसके शौकीन इसे बूढ़ा साधु भी कहते हैं। ओल्ड मॉन्क का एक दौर ऐसा भी था जब पीने पिलाने के लिए शौकीन लोगों ने इसे नेशनल ड्रिंक भी घोषित कर दिया था। आज की तारीख में ओल्ड रम रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया जैसे 50 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। लोगों के बीच इसकी पसंद को भी दोस्तों ऐसे आंक सकते हैं कि 2002 के दौरान करीब हर साल इसकी 80 लाख बोतलों की सेल होती थी। यही नहीं, लिकर किंग कहे जाने वाले विजय माल्या जैसे लोग भी ओल्ड मॉन्क के सामने टिक नहीं पाए थे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के दौरान दोस्तों कंपनी को कुछ झटके भी लगे थे। साल 2000 के दौरान कंपनी और मोहन परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब वीआर मोहन के बेटे और कपिल मोहन के भतीजे ने परिवार से अलग होते हुए कंपनी के लखनऊ की फैसिलिटी शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा को बेच दी। इसके बाद ओल्ड मॉन्क की सेल में गिरावट दर्ज होने लग गई, लेकिन दोस्तों फिर भी ये लोगों का पसंदीदा ब्रांड बनी रही। यही वजह थी कि 2002 तक हर साल करीब 80 लाख बोतलें बिका करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या कम होने लग गई। फिर एक टाइम ऐसा आया जब अफवाह उड़ी कि ये ब्रांड बंद होने वाला है, लेकिन दोस्तों कपिल मोहन ने साफ किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब इसके बेहतरीन स्वाद का राज भी जान लेते हैं। रम को बनाने के लिए गन्ने के रस का फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन किया जाता है, लेकिन ओल्ड मॉन्क रम क्योंकि दोस्तों एक डार्क रम है, इसलिए इसे बनाने के लिए तकरीबन 10-12 सालों तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ओल्ड मॉन्क रम को बाजार में उतारा जाता है। वहीं दूसरी रम के मुकाबले इसे बनाने का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद इसलिए इसका स्वाद भी सबसे हटके है। यही वजह है कि भाई ओल्ड मॉन्क रम के स्वाद ने सभी को अपना दीवाना बना दिया है। आपको बता दें, इसे कॉकटेल के साथ तो नहीं लिया जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स या पानी के साथ जरूर लिया जाता है। दोस्तों एक दौर में इसकी पॉपुलैरिटी ये थी कि कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार में इसे सजा के रखा जाता था। और यही नहीं, आज भी कई रेस्टोरेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ओल्ड मॉन्क रम का कलर दोस्तों डार्क ब्राउन होता है और वनीला स्वाद में आता है। वहीं इसकी अलग अलग वैरायटीज भी बाजार में मिलती है, जैसे ओल्ड मॉन्क सुप्रीम रम, ओल्ड मॉन्क गोल्ड रिजर्व रम, ओल्ड मॉन्क डीलक्स ट्रिपल एक्स रम और ओल्ड मॉन्क व्हाइट रम। फेमस रम ओल्ड मॉन्क को बनाने वाले दोस्तों कपिल मोहन ने भारत से शुरू होने वाले इस ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया और दुनिया भर में शराब के शौकीन लोग इसका लुत्फ लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना में रहते हुए और खुद इतनी बड़ी शराब कंपनी का मालिक होने के बाद भी कपिल मोहन ने कभी भी शराब नहीं पी, जबकि दोस्तों रम पीने वाले लोग इसे रेगुलर यूज मेडिसिन के नाम से भी बुलाते हैं। फेमस रम ओल्ड मॉन्क को बनाने वाले कपिल मोहन का निधन दोस्तों 88 साल के उम्र में 6 जनवरी 2018 को गाजियाबाद के उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। उस समय कहा जाने लग गया था कि भैया ओल्ड मॉन्क तो बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आज भी यह बाजार में वैसे की वैसे ही बिक रही है। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।